मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज टाइम स्पीड डिस्टेंस का 8th क्लास है और इस टाइम स्पीड डिस्टेंस के 8th क्लास में हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं सेम डिस्टेंस के केस में स्पीड का रेशियो एक्स इज टू वाई है तो टाइम का रेशियो वाई इज टू एक्स होगा। इसको कुछ और अलग तरीके के क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करके डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। पहले बेसिक चीजों को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस का आंसर जो होगा वो डायरेक्टली हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से होगा। जैसे आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस तरीके के क्वेश्चंस में कैसे इसको अप्लाई करना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो जिसमें पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं हिंदी इंग्लिश दोनों में, उसके बाद इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन मतलब कि दो स्पेशल पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा जिसे आप डायरेक्टली क्वेश्चन के फाइनल सॉल्यूशन पर चले जाएं 10 से 15 सेकेंड के अंदर। तो पहले मैं बेसिक डिस्कस करूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ध्यान से समझना आप इसको। तो अगर एक बार समझ में आ जाए ना तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है इस तरीके के क्वेश्चन को करने की। ज्यादा लंबा मेथड नहीं यूज करना पड़ता, डायरेक्टली रेशियो निकालते हैं स्पीड का और डायरेक्टली आप स्पीड निकाल लेते हैं। जैसे अगर इस क्वेश्चन में देखें, द बसेज स्टार्ट फ्रॉम बस टर्मिनल विथ अ स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर आवर्स एट इंटरवल ऑफ 45 मिनट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मैन गोइंग फ्रॉम द बस टर्मिनल इफ ही मीट्स द बसेज एट एन इंटरवल ऑफ 65 मिनट। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो क्वेश्चन हिंदी में क्या बोला जा रहा है कि बस टर्मिनल से 78 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली बसें हर 45 मिनट के अंतराल पर निकलती रहती हैं, लेकिन एक आदमी जो बस टर्मिनल से दूर जा रहा है वो बसों से प्रत्येक 65 मिनट के अंतराल पर मिलता रहता है। अब अगर वो दूर जा रहा है तो जितने समय के इंटरवल पर निकल रहे हैं उससे ज्यादा समय में ही मिलेगा। अगर वो बस टर्मिनल की तरफ आ रहा होता तो वो जितने इंटरवल पर बसें निकल रही हैं उससे कम समय में ही बसों से मिलता रहता। क्यों मिलता रहता वो डिस्कस करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं बस इतना इसमें पहला पॉइंट, दो पॉइंट है बताऊंगा। पहला पॉइंट यह है कि बस टर्मिनल से क्वेश्चन में बोला गया है कि 45 मिनट के इंटरवल पर बसें निकलती हैं। अगर बस टर्मिनल से 45 मिनट के इंटरवल पर बसें निकलती हैं, मैं कहता हूं कि अगर ये बस टर्मिनल है और अगर इस बस टर्मिनल से अगर 45 मिनट के इंटरवल पर बसें निकलती हैं, 45 मिनट के इंटरवल पर बसें निकलती हैं, इसका मतलब कि अगर एक बस निकली तो दूसरी बस यहां पर उसके 45 मिनट बाद निकलेगी। तो जैसे मैंने कहा कि दूसरी बस निकल रही है, जब यहां से दूसरी बस निकली होगी B2, यानी कि B1 पहले निकल चुकी होगी, इससे पहले निकलने वाली पहली बस दूसरी बस जब निकल रही थी तो उससे पहले निकल चुकी है। और आपको पता है कि आफ्टर 45 मिनट हर 45 मिनट के इंटरवल पर बसें निकल रही हैं, तो जब दूसरी बस निकली थी उससे कितने समय पहले पहली बस निकली होगी। हमें पता है कि जब भी बस पहली निकलेगी उसके 45 मिनट बाद दूसरी बस निकलेगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यानी कि हम कहेंगे दूसरी बस जब यहां निकली थी तो पहली बस इससे 45 मिनट आगे निकल चुकी थी, 45 मिनट पहले निकली थी यहां से। यानी पहली बस कहां पर होगी जब ये दूसरी बस बस टर्मिनल से निकल रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि पहली बस कहां पर होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि पहली बस 45 मिनट पहले निकली है दूसरी बस से, यानी कि 45 मिनट में जितना डिस्टेंस कवर कर सकती है उतना आगे होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दो बसों के बीच में जब ये बस निकल रही है तब तक पहली बस 45 मिनट तक डिस्टेंस कवर कर चुकी है। तो इन दो बसों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो बस द्वारा 45 मिनट में जितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा उतना होगा। जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि यहां पर अगर तीसरी बस जब निकल रही होगी, अगर यहां पर तीसरी बस निकल रही होगी तो दूसरी बस इससे पहले निकली होगी, जस्ट पहले इससे निकलने वाली बस होगी दूसरी। अब जब तीसरी बस यहां निकल रही तो इससे पहले जो बस निकली होगी वो 45 मिनट पहले निकली है, यानी B2 जो होगी कहां पर होगी, B3 निकलेगी B2 के निकलने के 45 मिनट के अंतराल पर। यानी B2 जो होगी, B3 जब ये निकल रही है तो उससे 45 मिनट में जितना डिस्टेंस कवर कर सकती है उतना आगे होगी। यानी B2 बस B3 बस से कितना आगे होगी, क्योंकि B2 B3 से 45 मिनट पहले निकली है, तो B2 जब B3 निकल रही थी बस टर्मिनल से तो B2 उससे पहले, जब B3 निकल रही थी उससे पहले 45 मिनट तक डिस्टेंस कवर कर चुकी है। यानी कि B2 और B3 के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा बस द्वारा जो 45 मिनट में डिस्टेंस कवर किया जाएगा। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि B1 कहां पर होगी, तो B2 अगर यहां पर है तो B2 से भी 45 मिनट पहले, B2 से भी 45 मिनट पहले B1 निकली थी, यानी B2 यहां पर है तो B1 जो होगी यहां पर पहुंची होगी उसके
उसके बाद 45 मिनट और आगे निकल चुकी है, क्योंकि हमें पता है कि B1 B2 से 45 मिनट पहले निकली है, तो B2 जहां पर भी होगी B1 वहां से 45 मिनट पहले ही निकल चुकी होगी, यानी B2 यहां पर है तो B1 45 मिनट पहले यहां से निकल चुकी है, यानी B2 से B1 कितना पहले आगे होगी, तो बस जो B1 45 मिनट में डिस्टेंस कवर कर सकती है उतना आगे होगी। तो यहां पर आपको समझाने का मतलब बस मेरे को यह है कि अगर 45 मिनट के इंटरवल पर अगर बसें निकलती हैं तो दो लगातार निकलने वाली बसों के बीच में डिस्टेंस उतना ही होगा जितने समय के इंटरवल पर वो बसें निकल रही हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं इस क्वेश्चन से थोड़ा सा हट करके, अगर हम बात करें बस ये समझने के लिए क्वेश्चन करने का तरीका तो डायरेक्टली हम लोग करेंगे। जैसे मैं ये कहता हूं कि बस टर्मिनल से बसें जो हैं वो कितने इंटरवल पर निकल रही हैं, तो मैंने कहा 30 मिनट के इंटरवल पर बसें निकल रही हैं बस टर्मिनल से। अगर बसें बस टर्मिनल से 30 मिनट के इंटरवल पर निकल रही हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि B2 जब यहां से निकल रही होगी तो B1 उससे 30 मिनट पहले निकल चुकी है, यानी B1 होगी कितना 30 मिनट में B1 बस द्वारा जितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो B2 से उतना आगे होगी। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि B3 जब निकल रही है बस टर्मिनल से तो मैं कहूंगा कि B3 से पहले B2 निकली थी और B2 जो बस निकली थी वो कितने समय पहले निकली थी, 30 मिनट पहले निकली थी, यानी B2 B3 से कितना आगे होगी, 30 मिनट में B2 जितना डिस्टेंस कवर कर सकती है उतना आगे होगी, और B2 जो है उससे 30 मिनट पहले B1 निकली थी, तो B2 जहां पर है उससे 30 मिनट पहले अगर B1 निकली थी तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा B1 और B2 के बीच में वो B1 द्वारा 30 मिनट में जितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा उतना आगे होगा। तो मैं यहां पर आपको ये समझाना चाहता हूं, एक बेसिक पॉइंट समझाना चाहता हूं कि दो लगातार निकलने वाली बसों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो अगर टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग देखें तो दो लगातार निकलने वाली बसों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा दो लगातार निकलने वाली बसें जो दो लगातार जो निकल रही बसें उनके बीच जो टाइम इंटरवल है उतने ही डिस्टेंस होगा, उतने ही डिस्टेंस होगा। मतलब अगर 30-30 मिनट के अंतराल पर 30-30 मिनट के इंटरवल पर अगर लगातार बसें निकल रही हैं तो कहीं से भी दो लगातार निकलने वाले बसों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा बस द्वारा 30 मिनट में जितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा उतना। अगर मैं कहता बसें जो है 40-40 मिनट के इंटरवल पर निकल रही हैं तो अगर 40-40 मिनट के इंटरवल पर निकलती तो मैं ये कहता कि दो लगातार निकलने वाली बसों के बीच में, रीजन बता चुका हूं, दो लगातार निकलने वाली बसों के बीच में जो डिस्टेंस होगा बस द्वारा जो 40 मिनट में डिस्टेंस कवर किया जाएगा उतना, यानी कि अगर जो भी बस आप उठाओगे उससे पहले वाली बस 40 मिनट चल चुकी है एक्स्ट्रा डिस्टेंस, तो वो आपका कह सकते हैं कि दो लगातार निकलने वाली बसों के बीच में डिस्टेंस हमेशा कितना होगा बस द्वारा उस टाइम इंटरवल में जितने टाइम इंटरवल के पर वो बसें लगातार निकल रही हैं उस टाइम इंटरवल में जितना बस डिस्टेंस कवर कर सकती है उतना ही उनके बीच में डिस्टेंस होगा। ये एकदम बेसिक पॉइंट था जो मैंने आपको समझाया कि अगर मैं कहता हूं कि बसें जो है 45-45 मिनट के इंटरवल पर निकल रही हैं तो मैं कहूंगा कि दो लगातार निकलने वाली बसों के बीच में जो डिस्टेंस होगा बस द्वारा जो 45 मिनट में डिस्टेंस कवर किया जाएगा उतना। अगर मैं कहता हूं कि बसें 50-50 मिनट के इंटरवल पर निकल रही हैं, 50-50 मिनट के इंटरवल पर निकल रही हैं, तो मैं ये कह सकता हूं अगर बसें 50-50 मिनट के इंटरवल पर निकल रही हैं तो दो लगातार निकलने वाली बसों के बीच में जो डिस्टेंस होगा बस द्वारा जो 50 मिनट में डिस्टेंस किया जाएगा कवर उतना। अगर बसें मैं कहता हूं कि 30-30 मिनट की जगह, मैंने कहा कि बसें 25-25 मिनट के बाद निकल रही हैं, 25-25 मिनट के अगर इंटरवल पर बसें निकल रही हैं तो मैं कह सकता हूं कि दो लगातार निकलने वाली बसों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 45 मिनट में बस द्वारा जितना डिस्टेंस कवर किया जा सकता है उतना। यानी फाइनल रिजल्ट बस आपको इतना समझना है कि दो लगातार निकलने वाली बसों के बीच में अगर सेम टाइम इंटरवल पर बसें निकल रही हैं तो दो लगातार निकलने वाली बसों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा होगा जितने इंटरवल पर बसें निकल रही हैं उतने इंटरवल में बस द्वारा जितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा उतना। ये एकदम बेसिक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आपको जो देखना है, जो ध्यान रखना है, वो दूसरा पॉइंट है आपका, वो दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि अगर मैं ये कहता हूं कि एक बस यहां से, दूसरा पॉइंट ध्यान रखना,
ये अगर आपको समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत होगी नहीं इस तरीके के क्वेश्चन में, और ये बेसिक समझाने के लिए मैं बताऊंगा फिगर बना के, लेकिन आपका आंसर होगा दो लाइन के अंदर, आप कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा ध्यान से समझ लें। तो मैं कहता हूं कि अगर ये एक बस यहां से चलते स्टेशन ए से 10 बजे और स्टेशन बी पर पहुंचती है, मैं कहता हूं कि स्टेशन बी पहुंचती है 10:30 पर, बस निकल रही है स्टेशन ए से 10 बजे और बस पहुंच रही है स्टेशन बी पर 10:30 पर, मैं कहता हूं कि यहां पर एक आदमी है जो यहां पर 10:30 पर बस के अंदर बैठता है और आगे चले जाते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि जब ये बस 10 बजे निकलती है, यहां पर पहुंचती है 10:30 पर, वो आदमी इस बस को पकड़ता है और फिर वो बैठ करके उस ट्रेन बस के अंदर वो चला जाता है जहां पर उसको जाना है। अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करूं, थोड़ा सा चेंज ये करूं कि मैं कहता हूं कि जब 10 बजे यहां से बस चली तो 10 बजे आदमी यहां पर पहुंच चुका था, बस यहां पर 10 बजे चली है और आदमी 10 बजे यहां पर पहुंच चुका है, तो उसने सोचा कि यहां पर वेट करने की जगह क्यों ना बस जिधर से आ रही उधर ही चलते हैं, जल्दी बस मिल जाएगी तो जल्दी बस के अंदर बैठ जाएंगे और जल्दी पहुंच जाएंगे। वो अलग बात है कि वो टाइम वही होगा पहुंचने का, लेकिन उसके दिमाग में आया कि चलो जल्दी बस मिल जाएगी तो जल्दी बस के अंदर बैठेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो अब क्या हुआ कि 10 बजे जब ये बस चली, तो आप ये बताइए कि इस पे पहला पॉइंट कि 10 बजे बस चलती है और 10:30 पर यहां पर पहुंचती है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इन दो प्लेस के बीच में, ए और बी के बीच में, क्योंकि बस यहां 10 बजे चली, यहां 10:30 पर पहुंची, तो मैं कह सकता हूं बस ये बीच का जो डिस्टेंस है ए और बी के, वो बस कितने समय में कवर करती है, 30 मिनट में कवर करती है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि बस जब यहां से 10 बजे चली तो आदमी यहां पर पहुंच चुका था, 10 बजे आदमी भी चल दिया, अब हमें पता है कि 10:30 पर यह बस पहुंचेगी बी पर, लेकिन आदमी जब यहां से चलना प्रारंभ कर दिया था 10 बजे और बस यहां से 10 बजे चली, तो रास्ते में आदमी बस से मिला, तो हमें यह कंफर्म है कि बस जो होगा वो 30 मिनट, 10:30 पर आदमी से तो नहीं मिलेगी, क्योंकि आदमी यहां पर बैठा होता तो बस वहां पर स्टेशन बी पर पहुंचती 10:30 पर, लेकिन ये आदमी भी चल दिया बस भी चल दिया, तो वो 10:30 से पहले दोनों मिल जाएंगे। तो जो मुझे समझाना है वो थोड़ा सा ध्यान से समझिए, क्योंकि यहां पर मैंने देखा है क्लास में पढ़ाते वक्त की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, उनके दिमाग में जो गलतियां होती है वो मैं अभी डिस्कस कर ले रहा हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे। अब आप ये बताइए, मैंने कहा कि बसें जो, बस से आदमी जो मिला वो पहली बस जब इसको क्रॉस किया, मान लेते यहां पर बस पहली क्रॉस किया 10:30 पर, दूसरी बस यहां से चली, आप बताइए अगर 25 मिनट बाद, यानी कि मैं कहता हूं कि 10:25 पर, 10 बजे के 10:25 पर अगर वो बस आदमी से मिली, तो मैं ये तो कहूंगा कि 10 बजे से 10:25 तक बस चली, यानी 25 मिनट तक बस ने डिस्टेंस कवर किया, मैं ये कह सकता हूं बस ने 25 मिनट तक डिस्टेंस कवर किया। अगर आपसे बोला जाए कि जो प्रॉब्लम होती है वो ये है कि अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि आदमी कितना चला, तो अगर आपके दिमाग में, अधिकतर मैंने देखा है क्लास के अंदर यही प्रॉब्लम हुई है कि आप वो दिमाग में आता है कि 30 मिनट 25 मिनट तो आदमी 5 मिनट चला, ये तो गलत होगा। गलत इसलिए होगा क्योंकि 10 बजे आदमी भी चला था, बस भी 10 बजे चली थी, अगर बस 10:25 पर आदमी से मिली तो इसका मतलब है कि 25 मिनट बस चली, और आदमी भी अगर 10 बजे चला था, बस से जब मिला तो 10:25 हो रहा था, यानी आदमी भी कितना चला है, 25 मिनट तक आदमी ने भी डिस्टेंस कवर किया है। बात यह है कि जो डिस्टेंस आदमी ने 25 मिनट में कवर किया है, वो डिस्टेंस अगर बस कवर करती तो हमें पता है कि ये बस ए से बी 30 मिनट में पहुंचती है, वो 25 मिनट तक डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है, आदमी के मिलने तक 25 मिनट तक डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है। अगर ये आदमी इधर नहीं आ रहा होता तो कितना और चलती कि वो स्टेशन बी पर पहुंच जाती, तो मैं कह सकता हूं 30 में से 25 चल चुकी है, 5 मिनट बस और चलती तो वो स्टेशन बी पर पहुंच जाती। तो आप ये कह सकते हैं यहां पर बस और मैन के बारे में अगर आपसे बोला जाए, तो आप ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस बस 5 मिनट में कवर करती है, जो डिस्टेंस बस 5 मिनट में कवर करती है, वो डिस्टेंस आदमी कितने मिनट में कवर करता है, 25 मिनट में कवर करता है। जो डिस्टेंस बस 5 मिनट में कवर करती है, वो डिस्टेंस आदमी 25 मिनट में कवर करता है। तो जो सेम डिस्टेंस की बात करें, सेम डिस्टेंस के केस में जो टाइम का रेशियो होता है स्पीड का रेशियो, उसका उल्टा, इनवर्स रेशियो, तो आप ये लिख सकते हैं। तो मेन आपको, मुझे आपको समझाना ये था कि मैं ये समझाना चाहता था आपको कि अगर बस 25 मिनट चली तो आदमी भी 25 मिनट तक चला, ये नहीं कहना कि आप 30 में से 25 चल गया तो 5 मिनट आदमी चला,
आदमी भी 25 मिनट चला, बस भी 25 मिनट चली, क्योंकि 10:25 पर मिलने का मतलब है कि 10 बजे से 10 बज के 25 मिनट तक बस चली, तो आदमी से 10 आदमी भी 10 बजे से 10 बज के 25 मिनट तक चला, यानी कि 25 मिनट आदमी चला, 25 मिनट बस चली, लेकिन ये जो डिस्टेंस 25 मिनट में आदमी कवर किया है वो अगर बस कवर करती तो कितना टाइम लगता। ये डिस्टेंस टोटल 30 मिनट में बस कवर करती है, 25 मिनट ये चल चुकी थी, यानी ये जो डिस्टेंस 25 मिनट में आदमी ने कवर किया है वो बस केवल 5 मिनट में कवर कर लेती। तो सेम डिस्टेंस का पार्ट ये जो आपने लिखा है ना, मैंने जो लिखा है आप देख रहे हैं, जो सेम डिस्टेंस की बात यहां पर आ गई कि जो डिस्टेंस आदमी 25 मिनट में कवर करता है वो डिस्टेंस बस 5 मिनट में कवर करती है, तो टाइम का रेशियो 5:25, तो स्पीड का रेशियो इसका इन्वर्स करेंगे तो 25:5 जो भी कट पिट करके आएगा 5:1 होगा। अब इस कॉन्सेप्ट पर हम लोग डिस्कस करेंगे, वो आदमी इधर आ रहा है, आदमी दूर भी जा सकता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में आदमी बस टर्मिनल की तरफ नहीं, बस टर्मिनल से दूर जा रहा है, उसको थोड़ा सा देखते हैं, क्वेश्चन वाइज चलते हैं। मैं दो बार डिस्कस करूंगा इस पॉइंट को, दो बार डिस्कस करने का मतलब है एक बार पूरा डिटेल से बताऊंगा, दूसरा पॉइंट जो बोलूंगा वो थोड़ा सा ध्यान से रखना, वो डायरेक्टली स्पीड का रेशियो आएगा, हमें ये सब इनवर्स और रिवर्स कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में, तो आप क्वेश्चन कई बार पढ़ चुके होंगे, हो सकता है कई लोगों का सोल्यूशन भी आ चुका होगा, लेकिन पहले मैं एक बार समझाऊंगा इसको, फिर उसको डायरेक्टली कैसे करना वो बताऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है कि अगर मैं कहता हूं कि बस टर्मिनल से, मैं क्या कहता हूं, क्वेश्चन में लिखा है कि बस टर्मिनल से 45 मिनट के इंटरवल पर बसें निकलती हैं, तो मैं ये तो कह ही सकता हूं कि अगर 45 मिनट के इंटरवल पर अगर बसें निकल रही हैं तो दो लगातार निकलने वाली बसों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो बस द्वारा 45 मिनट में जितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा उतना होगा। अगर बसें 45-45 मिनट के इंटरवल पर निकल रही हैं तो दो लगातार निकलने वाली बसों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो 45 मिनट में बस द्वारा जितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा उतना होगा। तो अब अगर आप ये देखो कि एक बस यहां पर होगी तो दूसरी बस यहां पर कितने समय बाद पहुंचेगी, 45 मिनट बाद, यानी दो लगातार निकलने वाली बसों के बीच में डिस्टेंस मैंने लिख दिया बस द्वारा 45 मिनट में जितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा उतना होगा। तो अगर मैं कहता हूं कि यहां पर यह बस एक आदमी को क्रॉस करेगी तो कितने समय बाद दूसरी बस इस आदमी को क्रॉस करेगी, अगर ये आदमी यहीं पर बैठा रहता है तो मैं कह सकता हूं कि ये बस दूसरी वाली यहां पर पहुंचेगी 45 मिनट बाद, यानी 45 मिनट के अंतराल पर अगर बसें निकल रही हैं, आदमी नहीं चल रहा है, तो जो आदमी को क्रॉस करे पहली बस, दूसरी बस उसको 45 मिनट बाद क्रॉस करेगी, तीसरी बस भी उसको 45 मिनट बाद क्रॉस करेगी अगर आदमी वहीं पर बैठा है तो। लेकिन बोला गया कि जब ये बस क्रॉस किया तो वो आदमी पहली बस एक कोई भी बस पहली क्या कह सकते हैं कोई भी अगर एक बस क्रॉस करती है यहां पर, तो जब वो क्रॉस किया तो वो आदमी बस टर्मिनल की तरफ नहीं आ रहा है, बस टर्मिनल से बसें आ रही हैं, तो एक बस इसको क्रॉस करी, अगर ये आदमी यहीं पर बैठा होता तो दूसरी बस वहां पर 45 मिनट बाद फिर उससे मिलती, लेकिन ये आदमी यहां बैठने की जगह जब ये बस क्रॉस किया तो ये आदमी आगे की तरफ चलना प्रारंभ कर दिया। अब आगे की तरफ चलना प्रारंभ कर दिया, बस टर्मिनल जिधर से बसें आ रही थी उधर न जाकर के जिधर बस जा रही थी उस साइड चलना प्रारंभ किया। बोला गया कि आदमी दूसरी बस से 65 मिनट बाद मिला है। अगर आदमी 45 मिनट के बाद दूसरी बस से मिलता है तो मैं ये कह सकता हूं कि जब आदमी यहां पर मिला था उसके बाद वो कितना चला, तब उसके बाद दूसरी बस मिली, तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि आदमी कितना चला, यहां पर बस मिली वो चलना प्रारंभ किया, 65 मिनट तक चला तो दूसरी बस मिली, 65 मिनट तक चला तो दूसरी बस मिली, तो हमें पता है कि जब ये बस यहां पर इसको क्रॉस किया था उसके बाद 65 मिनट चला, तो जब ये बस क्रॉस कर रही थी तो दूसरी बस उससे कितना पीछे थी, 45 मिनट में जितना वो डिस्टेंस कवर कर सकती है उतना। और ये बस दूसरी बस मिली मतलब ये तो क्रॉस हो चुकी थी, ये बस इसको 65 मिनट बाद मिलती है, इस बस के 65 मिनट बाद दूसरी बस मिलती है, तो ये बस जब यहां पर क्रॉस कर रही थी उस समय ये यहां पर थी, आदमी यहां से 65 मिनट चला तो ये बस भी यहां से 65 मिनट चली है। आप ये बात समझ पा रहे होंगे, ये बस 65 मिनट चली है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहा हूं इसमें समझने के लिए आपको। 45 मिनट के इंटरवल पर निकलती हैं तो दो लगातार निकलने वाली बसों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, जितने समय के इंटरवल पर निकल रही हैं उतना डिस्टेंस उनके बीच में होगा। 45 मिनट के इंटरवल पर निकल रही हैं तो 45 मिनट में जितना बस डिस्टेंस कवर कर सकती है उतना होगा। अब ये बस जब यहां पर इस आदमी को मिली तो दूसरी बस कितना पीछे होगी, जितना डिस्टेंस वो 45 मिनट में कवर कर सकती है।
अब ये आदमी को जब ये बस मिली तो वो बस दूसरी यहां पर थी, और ये जब आदमी को क्रॉस किया तो आदमी तुरंत उसके बाद चलना स्टार्ट किया। तो आदमी यहां से 65 मिनट चला तो ये बस यहां से 65 मिनट चली, यानी यहां पर जाकर के मिले। तो आदमी यहां से यहां डिस्टेंस 65 मिनट में कवर किया, और जो डिस्टेंस आदमी ने 65 मिनट में कवर किया वो बस कवर करती तो कितना टाइम लगता। तो आप कह सकते हैं यहां से यहां का डिस्टेंस बस द्वारा कितना समय में कवर किया जा सकता है। तो हमें पता है कि ये बस यहां से यहां तक का डिस्टेंस 65 मिनट में कवर किया है, और ये डिस्टेंस 45 मिनट में कवर कर सकती थी और किया होगा, यानी कि यहां से यहां पहुंची होगी 45 मिनट में। तो उसके बाद वाला डिस्टेंस जो कवर किया होगा कितना समय लगा होगा बस द्वारा, तो मैं कह सकता हूं 65 में से 45 निकाल दो। ये जो डिस्टेंस है जो आदमी ने 65 मिनट में कवर किया है वो बस कितने समय में कवर करती, वो 20 मिनट में कवर करती। तो यहां पर ये तो लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है कि बस जो बस है और जो आदमी है, तो हम ये कह सकते हैं कि बस जो डिस्टेंस 20 मिनट में कवर करती है वही डिस्टेंस अगर सेम डिस्टेंस आदमी कवर करे तो 65 मिनट लगता है। स्पीड और टाइम का रिलेशन सेम डिस्टेंस के केस में, तो स्पीड का क्या रेशियो होगा, तो हम लिख सकते हैं स्पीड का रेशियो होगा इसका इनवर्स, यानी आप लिख सकते हैं 65 और 20, रेशियो कट करके आ जाएगा 13 और 4, जिसमें से आपको किसका स्पीड दिया गया है, तो आपको दिया गया है बस टर्मिनल से बसें जो निकल रही हैं उनकी स्पीड बताई गई है 78 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये जो बस की स्पीड है ये आपको बस की स्पीड दी गई है 13 रेशियो जो दिया गया है वो 78 किलोमीटर पर आवर, यानी 13 रेशियो अगर 78 किलोमीटर पर आवर से तो 1 रेशियो कितना होगा, 13 इजिकल टू 78 किलोमीटर पर आवर, देन 1 इजिकल टू 13 से अगर 78 को डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। और हमें चाहिए थी मैन की स्पीड, और मैन का स्पीड का रेशियो कितना है 4, यानी 4 × 6 = मैं लिख सकता हूं कि आदमी की स्पीड होगी 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये मैंने बेसिक तरीके से समझाया है पूरा लिख करके, पूरा फिगर बना करके, कि आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लो। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को करेंगे, अगर आप जब आपको समझ में आ जाएगा और समझ में आ चुका होगा इस टाइम पर अब तक, तो अब अगर इसको करना होगा तो ये पूरी कहानी लिखने की जगह डायरेक्टली कर सकते हैं, और डायरेक्टली करने का जो तरीका होगा थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो डायरेक्टली आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा, इतना लंबी कहानी नहीं करनी है। अब ये जो करने का तरीका होगा, रीजन आपके सामने है, मैं वो रीजन की वजह से फिर से इनवर्स रिवर्स नहीं करूंगा। बस और आदमी, इसमें अगर आपसे बोला जाए कि कौन सा ऑब्जेक्ट पहला है तो मैं कहूंगा कि बस ही तो निकल रही है बस टर्मिनल से, तो बस पहला ऑब्जेक्ट। अब वो जिससे मिल रही है वो आपका दूसरा ऑब्जेक्ट, वो कार है, आदमी है, ट्रेन है, क्या है वो आपको देखना है। तो यहां पर बस टर्मिनल से बसें निकलती हैं तो बस जो हो गया पहला ऑब्जेक्ट, अब वो जिससे मिल रही है वो दूसरा ऑब्जेक्ट। तो अब आपको इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका होगा, मैं इसको रफ चलो ठीक है इसको मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूं, उसके बाद इसको रफ करूंगा। मैं बार बार इसको लिखूंगा लेकिन आपको ये जो लिखा है बनाया है बस ये समझने के लिए बनाया है, इतनी लंबी कहानी आपको नहीं करनी है। लेकिन इसकी वजह से जो डायरेक्टली तरीका है, और जो डायरेक्टली तरीका मैं बना रहा हूं वो डायरेक्टली स्पीड का रेशियो लिख रहा हूं, रीजन आपके सामने है, वो रिवर्स इनवर्स आप फिर से दोबारा मत करो। जब आपको अच्छे तरीके से रटना ही है, जब आपको डायरेक्टली आंसर निकालना है तो आप फिर क्यों टाइम और फिर स्पीड बनाओ, आप डायरेक्टली यूज करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। आपको मैं बता दूं ऐसे क्वेश्चन में क्या देखना है, 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कितने समय के इंटरवल पर वो बसें निकल रही हैं। दूसरा पॉइंट है कि कितने समय के इंटरवल पर वो दूसरे ऑब्जेक्ट से मिल रही हैं। दूसरा पॉइंट है कितने समय के इंटरवल पर वो दूसरे ऑब्जेक्ट से मिल रही हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है कि दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है। ये 3 पॉइंट है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 3 पॉइंट्स हैं डायरेक्टली आंसर निकालने के लिए, स्पीड का रेशियो निकालने के लिए। कि पहला पॉइंट ये है कि एक्चुअल में वो अगर देखा जाए तो बसें कितने समय के इंटरवल पर बार बार निकल रही हैं, तो हमें पता है कि 45 मिनट के इंटरवल पर निकल रही हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा टाइम आपको जो दिया गया है, दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि एक्चुअल में कितने समय के इंटरवल पर वो मिल रही हैं बार बार दूसरे ऑब्जेक्ट से, तो वो आपको इस क्वेश्चन में दिया गया 65 मिनट। और तीसरा पॉइंट है कि इन दोनों टाइम में अंतर कितना है, तो आप 45 और 65 का डिफरेंस है 20 मिनट। तो अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो इन 3 में से 2 का रेशियो यूज करिए, वो डायरेक्टली स्पीड का होगा। कौन सा 2 वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन में देखो, पहला तो कंडीशन यह है कि कितने समय के इंटरवल पर वो बसें निकल रही हैं, तो आपको बताया जा रहा है यहां पर क्वेश्चन में कि 45 मिनट के इंटरवल पर बसें निकल रही हैं।
तो कितने समय के इंटरवल पर वो बसें निकल रही हैं उसे आप नेगलेक्ट कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका यूज एकदम नहीं करना है, लेकिन उसको डायरेक्टली यूज नहीं करना है। रीजन आपके सामने आप देख सकते हैं, दो पॉइंट यूज हो रहे हैं, एक तो 45 और 65 का डिफरेंस 20, और दूसरा है कि कितने समय के इंटरवल पर निकल रही है वो नहीं, कितने समय के इंटरवल पर एक्चुअल में मिल रही हैं, वो दो ही आपका रेशियो के पार्ट पर यूज हो रहा है। यानी आपको क्या करना है कि कितने समय के इंटरवल पर निकल रही है उसको डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, हटा दिया। अब आपको देखना है कि एक्चुअल में कितने समय के इंटरवल पर मिल रही हैं। जितने समय के इंटरवल में एक्चुअल में मिल रही हैं वो टाइम हमेशा पहले ऑब्जेक्ट के नीचे जाएगा। यानी 65 मिनट के इंटरवल पर निकल रही है तो बस के नीचे मैंने लिख दिया 65, और जो टाइम का डिफरेंस होगा 45 मिनट के इंटरवल पर निकल रही थी और मिल रही थी 65 मिनट के इंटरवल पर, तो इनका जो टाइम का डिफरेंस होगा वो हमेशा दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे लिखना है। तो 65 एंड 45 का डिफरेंस 20, तो ये आपको इनवर्स इनवर्स कुछ नहीं करने की जरूरत है, डायरेक्टली ये रेशियो आ चुका है, वो डायरेक्टली स्पीड का रेशियो आएगा। रीजन आपके सामने प्रूव है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जिसमें से 13 रेशियो की वैल्यू जो दी गई थी, 13 रेशियो की वैल्यू जो दी गई थी वो दी गई थी 78 किलोमीटर पर आवर्स। तो मैं कह सकता हूं कि 1 रेशियो कितना होगा, तो 1 रेशियो आएगा 13 से 78 को डिवाइड करेंगे तो 6 किलोमीटर पर आवर्स। और जब अगर हम बात करें आदमी की स्पीड जो कि 4 रेशियो है और 1 रेशियो 6 किलोमीटर पर आवर्स, तो 4 रेशियो हो जाएगा 4 इंटू 6 इजिकल टू 24 किलोमीटर पर आवर्स। तो आपको केवल इतने में ही समाप्त कर देना है। तो चार तीन चार पांच क्वेश्चन जो भी गन फायर करने वाले होते हैं या बस टर्मिनल वाले, अगर हम लोग ये डिस्कस करेंगे तो एकदम कंफर्म हो जाएगा। जैसे अगर हम देखें सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप देखो, अगर मैं इसी तरीके से यूज करता हूं क्वेश्चन में, चाहे वो बस टर्मिनल से दूर जा रही हो या पास आ रही हो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो अगर हमें ये यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा, उम्मीद करता हूं आप ट्राई कर रहे होंगे और आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार रेशियो बता करके फिर आपको डायरेक्टली बताऊंगा। लेकिन जो डायरेक्टली बोल रहा हूं ना वो थोड़ा सा समझ लेना कि तीन जो टाइम है उन कौन से तीन टाइम है। तो पहले तो आपको मैं पूरा डिटेल से बता रहा हूं, आप समझना ध्यान से फिर आंसर डायरेक्टली। अगर हम इस बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें, तो डायरेक्टली आंसर मैं निकाल दूंगा, मेरे को दिक्कत नहीं है, आपको भी थोड़ी देर में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं डिटेल इसका बार बार रिपीट करूंगा ताकि आपको एकदम कंफर्म हो जाए कॉन्सेप्ट, कि आपको दिक्कत ना हो कि ऐसा क्यों होता है। तो जैसे अगर हम ये क्वेश्चन की बात करें कि दो लगातार निकलने वाली बसों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, तो मैं यहां पर भी कह सकता हूं कि दो लगातार निकलने वाली बसों के बीच में उतना ही डिस्टेंस होगा जितने टाइम इंटरवल पर वो बार बार निकल रही हैं। तो यहां क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया है, बसेज स्टार्ट फ्रॉम अ बस टर्मिनल विथ स्पीड ऑफ 28 किलोमीटर पर आवर्स एट इंटरवल ऑफ 18 मिनट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मैन कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स द बस टर्मिनल इफ He meets the buses at interval of 14 मिनट। मतलब क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है कि बस टर्मिनल से बसें 28 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 18-18 मिनट के अंतराल पर निकलती हैं, लेकिन एक आदमी जो बस टर्मिनल की तरफ आ रहा है, ये दूर नहीं जा रहा, पिछले क्वेश्चन में वो बस टर्मिनल से दूर जा रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया कि जो आदमी बस टर्मिनल की तरफ आ रहा है वो प्रत्येक 14 मिनट के अंतराल पर बसों से मिलता रहता है। तो अब यह बताना है कि जैसे इसमें बस की स्पीड 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताना यह है कि आदमी की गति क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मैन कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। तो उस आदमी की स्पीड क्या होगी जो 14-14 मिनट के बाद बसों से मिल रहा है, और जबकि बताया गया कि बसें 18-18 मिनट के अंतराल पर निकल रही हैं और बसों का स्पीड जो है वो 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब अगर क्वेश्चन को देखें ध्यान से, तो मैंने पहला पॉइंट बताया था कि बसें जितने समय के इंटरवल पर निकलेंगी हमेशा उन लगातार निकलने वाली बसों के बीच में डिस्टेंस वही होगा जितने समय के इंटरवल पर निकल रही हैं। तो यहां पर क्वेश्चन में बोला गया कि बसें निकल रही हैं 18-18 मिनट के इंटरवल पर, तो मैं कह सकता हूं कि दो लगातार निकलने वाली बसों के बीच में डिस्टेंस होगा 18 मिनट में बस द्वारा जितना डिस्टेंस कवर किया जा सकता है उतना। अब आते हैं क्वेश्चन पे, अगर एक बस यहां पर होगी तो यहां पर एक बस क्रॉस करी होगी, तो उसके बाद जो निकली 18 मिनट के अंतराल पर, तो अगर ये एक बस यहां पर होगी तो दूसरी बस यहां पर कब पहुंचेगी जो पीछे वाली है, इसके बाद जो चली है वो इस यहां पर पहुंचेगी 18 मिनट के बाद। अगर ये एक आदमी यहां पर बैठा हुआ है, अगर ये बस क्रॉस करती है,
अगर आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है, एक ब्रश इसने क्रॉस किया, एक बस ने यहाँ से क्रॉस किया आदमी को, अगर आदमी यहीं पर बैठा होता तो इस वाली बस से जो उसके बाद स्टार्ट हुई थी 18 मिनट बाद, वो उस बस से कब मिलता? 18 मिनट में ये यहां पर पहुंचती और आदमी से मिलती। लेकिन हुआ क्या कि ये आदमी जब इस बस को क्रॉस किया, और जब ये इस बस को आदमी क्या क्रॉस किया, या फिर आदमी भी चल रहा होगा तो आदमी क्रॉस किया, या ये बस इस आदमी को जब क्रॉस किया तो ये आदमी दूसरी बस को बैठ करके यहां पर इंतजार करने की जगह ये आदमी यहां नहीं बैठता है, वो चलना प्रारंभ कर देता है। और हमें पता है कि ये बस यहां पर इस आदमी को क्रॉस करे तो दूसरी वाली बस जो उसके बाद स्टार्ट हुई थी यहां पर कितने समय में पहुंचती? वो अपनी स्पीड से 18 मिनट में पहुंच जाती। तो आदमी यहां पर उस बस का इंतजार करने की जगह जब ये बस इसको क्रॉस किया तो ये बस यहां पर है। समझ में आ चुका होगा कहां पर है इसके अकॉर्डिंग। तो ये आदमी यहां से चलना प्रारंभ किया और ये बस भी यहां से चलना प्रारंभ कर दिया। तो आप बताइए कि जो ये बस है वो कितने समय के अंतराल पर मिल गई है? तो आपसे बोला जा रहा है जब आदमी को क्रॉस किया पहली बस, दूसरी वाली बस जो ये वाली बस है वो उसको कितने समय के इंटरवल पर मिल रही है? 14 मिनट के इंटरवल पर। यानी जब ये बस आदमी को क्रॉस किया, ये बस यहां पर थी, तो आदमी इस बस से दूसरी बस से कब मिला? तो आदमी कितने मिनट के बाद मिला दूसरी बस से? तो 14 मिनट तक ये आदमी ने इधर से डिस्टेंस कवर किया। अगर ये आदमी यहां से 14 मिनट डिस्टेंस कवर किया तो ये वाली बस भी यहां से आदमी के मिलने तक 14 मिनट तक डिस्टेंस कवर किया। लेकिन ये बस द्वारा 14 मिनट में डिस्टेंस कवर किया गया और ये आदमी द्वारा 14 मिनट में डिस्टेंस कवर किया गया। तो आप ये तो कह ही सकते हैं आदमी द्वारा जो 14 मिनट में डिस्टेंस कवर किया गया है, अगर वो बस कवर करती तो टोटल 18 मिनट में यहां से यहां पहुंच जाती है। 14 मिनट तक ये चल चुकी है, यानी ये बस ये वाला जो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस को आदमी ने 14 मिनट में कवर किया है, उस डिस्टेंस को ये बस कितने समय में कवर करती है? 18 मिनट में से 14 मिनट चल चुकी थी, तो आप कह सकते हैं 18 से 14 निकाल दो, 4 मिनट में ये डिस्टेंस बस कवर कर लेती। 4 मिनट में ये बस डिस्टेंस कवर कर लेती। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं बस और आदमी के बारे में कि जो डिस्टेंस बस कवर करती है, जो डिस्टेंस बस कवर करती है 4 मिनट में, वो डिस्टेंस आदमी कवर करता है 14 मिनट में। तो टाइम का रेशियो 4:14 है, तो सेम डिस्टेंस के केस में स्पीड का रेशियो उसका इन्वर्स होगा, और इन्वर्स होगा तो मैं लिख सकता हूं 14:4, और 14:4 का मतलब हुआ यहां पर 2 से डिवाइड करें तो 7:2। अब 7:2 अगर आपका स्पीड का रेशियो आ गया यहां पर, जिसमें से बस का स्पीड दिया गया जो 7:7 है, बस का स्पीड 28 किलोमीटर प्रति घंटा, देन 1:7 विल बी 7 से डिवाइड किया 4 किलोमीटर पर आवर्स। अगर 1:4 किलोमीटर पर आवर्स है तो 2:0 जो कि आदमी की स्पीड का रेशियो है, 2:0 की वैल्यू कितना होगी? तो मैं लिख सकता हूं 8 किलोमीटर पर आवर्स। ये आपका पूरा मैंने लिख करके समझाया है। अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा, और आपको भी एग्जाम में जब जाओगे तो ये पूरा लिख लिख करके नहीं करना है आपको, आपको तो डायरेक्टली करना है। डायरेक्टली क्या करना है? पहले तो आपको देखना है कि कितने इंटरवल पर बसें निकल रही हैं। तो बोला गया है कि बसें निकल रही 18 मिनट के इंटरवल पर। तो मैंने कहा था जितने समय के इंटरवल पर निकल रही हैं उसका डायरेक्टली रेशियो के पार्ट पर यूज नहीं करना है। आप देख सकते हैं यहां पर कहीं पर भी 18 का यूज नहीं हुआ। आपको यूज करना है कितने समय के इंटरवल पर एक्चुअल में मिल रही हैं और अंतर कितना है। तो मैं कहूंगा कि पहले ऑब्जेक्ट के नीचे आपको क्या रखना है, पहले ऑब्जेक्ट के नीचे हमेशा क्या रखना है, कितने समय के इंटरवल पर निकल रही हैं वो न रख करके आपको लिख रखना है पहले ऑब्जेक्ट के नीचे। स्पीड डायरेक्टली निकालना चाहते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट के नीचे रखा जाएगा कौन सा वाला टाइम, वो टाइम जितने समय के इंटरवल में एक्चुअल में मिल रही है। तो मिल कितने समय के इंटरवल पर रही थी? तो क्वेश्चन में बोला गया है 14 मिनट के इंटरवल पर। तो पहले ऑब्जेक्ट यानी बस के नीचे लिखा 14, ये डायरेक्टली स्पीड का रेशियो, क्यों कैसे वो रीजन समझा चुका हूं। दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे हमेशा जिससे वो बस मिल रही है, दूसरा ऑब्जेक्ट उसके नीचे हमेशा जाएगा दोनों टाइम का डिफरेंस, कौन सा जो आपने कितने समय के इंटरवल पर निकल रही हैं और कितने समय के इंटरवल पर एक्चुअल में मिल रही हैं, उनका जो अंतर होगा वो दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे। तो यहां पर आप देख सकते हैं रेशियो क्या आ गया दोनों के स्पीड का, तो वो डायरेक्टली इसको इनवर्स कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आएगा, रीजन आपके सामने है। तो 7:2 और 7:0 की वैल्यू अगर दी गई है 28 किलोमीटर पर आवर्स, तो 1:0 की वैल्यू आ जाएगी 7 से डिवाइड किया 4 किलोमीटर पर आवर्स, यानी 2:0 की वैल्यू हो जाएगी, हम लिख सकते हैं 8 किलोमीटर पर आवर्स। ये आपका रहा दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, तीसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गई है, वो अगर आप देखो इसी तरीके का क्वेश्चन है, इसके बाद गन फायर की जाती है, कुछ ऐसे क्वेश्चन दो आप करेंगे। तो इस क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा देखो तो एक गलती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, गलती वो इसलिए है
क्योंकि अगर 25 मिनट के अंतराल पर बसें निकल रही हैं, आदमी से 25 मिनट से और ज्यादा के बाद मिल रही हैं, इसका मतलब कि वो बसें जो है वो बस टर्मिनल की तरफ तो नहीं आ रही होंगी, बस टर्मिनल से दूर जा रही होंगी, इसलिए वो 25 मिनट की जगह 35 मिनट के अंतराल पर मिल रही हैं। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन में लिखा गया है, तो इस पे लिखा गया है स्पीड ऑफ द मैन कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। अगर वो आदमी अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा होता तो 25 मिनट की जगह और जल्दी मिल जाता, क्योंकि आदमी भी बस की तरफ आ रहा है। तो ये एक थोड़ा सा गड़बड़ है, आप समझ लेना, कमिंग फ्रॉम की जगह गोइंग फ्रॉम होगा, ये आपका पॉइंट है, गोइंग फ्रॉम, कमिंग फ्रॉम ना होकर के यहां पर हम यूज करेंगे क्या, गोइंग फ्रॉम, कमिंग फ्रॉम गलत है। तो टाइपिंग में मिस्टेक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, यहां लिख भी दिया आपको समझने के लिए, ताकि ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में यह है कि कमिंग फ्रॉम नहीं होगा, इस क्वेश्चन में होगा गोइंग फ्रॉम, क्योंकि अगर 25 मिनट के अंतराल पर निकल रही हैं और मिल रही हैं 35 मिनट के अंतराल पर, मतलब जितने समय के इंटरवल पर निकल रही हैं उससे ज्यादा समय के इंटरवल पर मिल रही हैं, तो आदमी बस टर्मिनल की तरफ तो नहीं आ रहा है, वो बस टर्मिनल से दूर जा रहा है। तो कमिंग फ्रॉम की जगह आपको यूज करना है गोइंग फ्रॉम, वो टाइपिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में। अगर आप ये देखो, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको निकालना है तो आप डायरेक्टली अगर करना चाहो तो, अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं, इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली ही बता रहा हूं, पूरा लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्टली करना चाहो तो आप देखो कितने समय के इंटरवल पर बसें निकल रही हैं, तो बोला गया कि 25 मिनट के इंटरवल पर बसें निकल रही हैं, तो वो डायरेक्टली नहीं यूज करना है। 25 मिनट के इंटरवल पर निकल रही हैं तो उसे हम डायरेक्टली रेशियो निकालते वक्त स्पीड का यूज नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि कितने समय के इंटरवल पर एक्चुअल में मिल रही हैं। तो हमें दिखाया गया, बताया गया 35 मिनट, तो वो डायरेक्टली पहले ऑब्जेक्ट के नीचे यानी बस के नीचे 35, दूसरा ऑब्जेक्ट जिससे वो मिल रही है वो हमेशा उसके नीचे क्या रखना है, दोनों टाइम का डिफरेंस, यानी 25 और 35 का डिफरेंस कितना आया, 10। तो ये डायरेक्टली स्पीड का रेशियो आ रहा है, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। 35 एंड 10 मतलब अगर 5 से डिवाइड करें 7 एंड 2, जिसमें से 7 रेशियो की वैल्यू दी गई है, यानी कि बस की जो स्पीड दी गई है वो दी गई है 40 किलोमीटर पर आवर्स। इस क्वेश्चन में देखें, हाँ 40 किलोमीटर पर आवर्स, अगर 7 रेशियो 40 किलोमीटर पर आवर्स है तो 1 रेशियो कितना होगा, 40/7 किलोमीटर पर आवर्स, यानी कि 2 रेशियो कितना होगा, 40/7 × 2, जो कि आपका आ रहा है 80/7 किलोमीटर पर आवर्स। और 80/7 किलोमीटर पर आवर्स को अगर हम डिवाइड करें तो हम लिख सकते हैं 11/3/7 किलोमीटर पर आवर्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आप डायरेक्टली यूज करेंगे, तीनों क्वेश्चन में आप डायरेक्टली यूज करेंगे, आगे के जो दो क्वेश्चन होंगे गन फायर की जाती है उसमें भी ये डायरेक्टली यूज करेंगे, लेकिन जो गन फायर की जाती है अगर वो उस तरीके का क्वेश्चन आता है तो उसमें मैं एक बार फिगर से बताऊंगा, दो क्वेश्चन करेंगे गन फायर वाले क्वेश्चन, लेकिन आप देखो कि किस तरीके से उसका बेसिक कैसे होगा और डायरेक्टली कैसे होगा। डायरेक्टली जब मैं बोल रहा हूं इस तरीके के क्वेश्चन में कैसे करते हैं, वही डायरेक्टली उसमें भी यूज करते हैं। जैसे अगर आप देखें अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये गन फायर की जाती है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि 15 से 20 सेकंड में खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको पता हो तो जब तक हमें कुछ नहीं पता होता है तब तक सब कुछ टफ होता है, और जैसे ही हमें पता चल जाता है कि नहीं हाँ इसका तरीका क्या होगा, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये क्यों ऐसा करते हैं, अगर ये सारी चीजें पता चलते चले जाए तो क्वेश्चन घुमाया भी जाएगा तो आप अपना दिमाग यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ रट लोगे कि ऐसे को ऐसा ऐसे को ऐसा, तो ये आप मान के चलो कि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में प्रॉब्लम आने के चांसेज है, क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपको डायरेक्टली अगर रटे पड़े हुए हैं तो वो डायरेक्टली नहीं यूज होता, थोड़ा बहुत चेंज होता है, और जैसे ही चेंज होता है आप कॉन्फिडेंस में गलत क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेटर के निकाल देते हैं, आप ध्यान ही नहीं देते कि क्वेश्चन में कुछ गलतियां हैं, कुछ चेंजेज है पहले के कंपेयर में, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ना होकर के कुछ इनडायरेक्ट घुमाया गया है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए बेसिक चीजों को ज्यादा समझना जरूरी है। जैसे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, गन फायर की जाती है कितने समय के इंटरवल पर, जैसे हम बात कर रहे थे पिछले वाले क्वेश्चन में वैसे ही यहां पर है, पिछले वाले क्वेश्चन में बस टर्मिनल से बसें निकल रही थी और इस क्वेश्चन में गन फायर की जाती है, तो गन फायर करने पर जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो आपका चलना प्रारंभ कर देगा। इस क्वेश्चन में जैसे लिखा गया है कि 2 बुलेट्स वर फायर्ड एट ए प्लेस एट एन इंटरवल ऑफ 34 मिनट, ए पर्सन अप्रोचिंग द फायरिंग पॉइंट इन हिज कार Here's the two sounds at intervals of 33 minute. The speed of the sound is 330 meter per second. What is the speed of the car? Question हिंदी में है, दो बंदूकें दागी जाती हैं,
दो बंदूकें दागी जाती हैं, दो बंदूकें फायर की जाती हैं 34 मिनट के इंटरवल पर। मतलब पहली गन जब फायर की गई उसके 34 मिनट बाद उसी स्थान से दूसरी गन फायर की गई। तो बोला गया कि एक आदमी कहीं से आ रहा था, तो वो अपनी कार से किधर आ रहा था, जिधर गन फायर की गई है उधर की तरफ ही आ रहा है। तो वो पहली जब आवाज सुनता है, दूसरी आवाज उसके 33 मिनट बाद ही सुन लेता है, जबकि गन फायर की जाने 34 मिनट के बाद। लेकिन वो पहली आवाज जब सुनता है तो उसके 33 मिनट बाद ही आवाज को सुन लेता है। क्यों? क्योंकि वो उधर ही आ रहा था जिधर से गन फायर की गई थी। अब बोला गया कि यदि साउंड की स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड है तो कार की गति याद करो। देखिए डायरेक्टली इसमें भी मैं बता दूंगा, लेकिन एक बार मैं इस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन को बेसिक भी बताऊंगा, फिर डायरेक्टली बताऊंगा, दूसरे क्वेश्चन को डायरेक्टली कर लेंगे हम लोग। कॉन्सेप्ट सेम है, वहां पर बसें निकल रही थी, यहां पर बुलेट फायर की जा रही है, तो साउंड प्रोड्यूस होगा यानी साउंड निकलेगा और जो इसकी स्पीड दी गई है। जैसे मैं ये कहता हूं कि साउंड प्रोड्यूस कितने समय बाद हुआ, तो पहली गन फायर की गई उसके कितने समय बाद दूसरी गन फायर की गई, 34 मिनट के बाद। यानी हम कह सकते हैं कि 34 मिनट के बाद अगर गन फायर की जा रही है तो दो लगातार जो गन फायर की गई हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, उनके बीच में डिस्टेंस होगा, दो लगातार जो गन फायर की गई उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, ये गलत वर्ड है। गलत वर्ड इसलिए है क्योंकि गन थोड़े चलेंगे, तो दो लगातार गन अगर फायर की जाती हैं तो पहला साउंड प्रोड्यूस होगा जब पहली गन फायर की गई। तो फर्स्ट गन फायर की गई तो साउंड प्रोड्यूस हुआ, वो चलना स्टार्ट किया। सेकेंड गन फायर की गई तो जब साउंड प्रोड्यूस हुआ वो चलना स्टार्ट किया। यानी पहला साउंड जो हुआ गन फायर करने पर, जो पहला साउंड प्रोड्यूस हुआ था उसके कितने समय बाद दूसरा साउंड प्रोड्यूस हुआ है, 34 मिनट के बाद। यानी पहला साउंड जहां पर भी पहुंचेगा उस स्थान पर दूसरा साउंड कितने समय बाद पहुंचना चाहिए, 34 मिनट बाद पहुंचना चाहिए। जैसे मैं कहता हूं कि यहां पर पहला साउंड, फर्स्ट साउंड जब यहां पर पहुंचा है तो दूसरा साउंड जो प्रोड्यूस हुआ है वो यहां पर कितने समय बाद पहुंचता है इस स्थान पर, तो मैं कहूंगा कि अगर 34 मिनट बाद दूसरा साउंड प्रोड्यूस हुआ है तो 34 मिनट बाद वो यहां पर पहुंचेगा। तो पहला साउंड जब यहां पर पहुंचा तो दूसरा साउंड अगर 34 मिनट बाद यहां पर पहुंचेगा, यानी वो जब यहां पर पहला साउंड होगा तो दूसरा साउंड कितना दूरी पर होगा, 34 मिनट में दूसरा साउंड जितना डिस्टेंस कवर कर सकता है उतना दूरी पर होगा। मतलब वही क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, बस लैंग्वेज अलग है कि अगर 34 मिनट के इंटरवल पर गन फायर की जाती है तो दो लगातार प्रोड्यूस होने वाले साउंड के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 34 मिनट के अंतराल में जितना डिस्टेंस साउंड ट्रेवल कर लेगा उतना होगा। तो 34 मिनट के इंटरवल पर अगर गन फायर की जाती है तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा पहला, दूसरा साउंड जो प्रोड्यूस होगा वो 34 मिनट बाद प्रोड्यूस होगा, क्योंकि 34 मिनट बाद गन दूसरी फायर की गई है। तो मैं कह सकता हूं कि दो लगातार निकलने वाले साउंड, जो दो लगातार निकल रहे हैं साउंड प्रोड्यूस होने के बाद, उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा साउंड द्वारा 34 मिनट में जितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा उतना होगा। तो मैं कहता हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाए और इसके बाद ये सब ना करना पड़े, डायरेक्टली आंसर पर जाएं आप। तो मैं कह रहा हूं कि अगर दो लगातार साउंड प्रोड्यूस हुआ है तो 34 मिनट के इंटरवल पर अगर फायर हुआ है तो मैं कहूंगा कि दोनों साउंड के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा साउंड द्वारा जो 34 मिनट में डिस्टेंस कवर किया जा सकता है उतना। जैसे मैंने कहा कि यहां पर एक आदमी है जो कि पहला साउंड सुनता है, अगर आदमी यहीं पर बैठा होता तो दूसरा साउंड इसके पास कितने समय बाद पहुंचता, 34 मिनट में ये जितना डिस्टेंस कवर कर लेगा उतना दूरी पर होगा ये, तो 34 मिनट बाद यहां पर पहुंचता। लेकिन जब ये साउंड सुनाई दिया तो वो ये आदमी यहां पर बैठा हुआ था नहीं, वो कार में था बैठा हुआ, कार चल रही थी, तो जब ये साउंड सुनाई दिया तो अगर आदमी यहीं पर होता तो 34 मिनट में ये साउंड यहां से यहां डिस्टेंस कवर करके उस आदमी के कानों में आवाज सुनाई दे देती वो। लेकिन हुआ क्या कि आदमी जब साउंड सुना तो वो चलना प्रारंभ किया और ये साउंड यहां से चलना प्रारंभ किया। हमें पता है कि जब ये आदमी सुना था तो दूसरा साउंड कितना दूरी पर था, जितना 34 मिनट में जितना डिस्टेंस कवर कर सकता है उतना दूरी पर था। तो बोला गया कि दूसरा साउंड उस आदमी को 33 मिनट के बाद सुनाई दिया, आदमी पहला साउंड सुना उसके 33 मिनट बाद दूसरा साउंड सुना है, यानी आदमी ने 33 मिनट तक डिस्टेंस ट्रेवल किया तब दूसरा साउंड सुनाई दिया। और जब आदमी यहां से ट्रेवल कर रहा था तो ये साउंड भी यहां से ट्रेवल कर रहा था, और साउंड की जो है कितने समय तक चला, तो आदमी अगर 33 मिनट चला तो साउंड भी 33 मिनट इधर से चला है,
आप ये कह सकते हैं कि अब जो डिस्टेंस आदमी ने 33 मिनट में कवर किया है, वो साउंड अगर कवर करता तो बताइए कितने समय में कवर कर लेता। 34 मिनट में ये वो यहां से यहां कवर करता है, 33 मिनट चल चुका है साउंड, यानी ये जो डिस्टेंस आदमी ने 33 मिनट में कवर किया है, साउंड केवल 1 मिनट में कवर कर लेता। जो डिस्टेंस आदमी ने 33 मिनट में कवर किया है, अगर वो साउंड ट्रेवल करता तो केवल 1 मिनट में कवर कर लेता। तो मैं यहां पर लिखूं कि सेम डिस्टेंस के केस में, सेम डिस्टेंस के केस में जो टाइम का रेशियो होता है, स्पीड का रेशियो उसका इन्वर्स होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो साउंड द्वारा 1 मिनट में कवर किया जा रहा है, वो मैन द्वारा 33 मिनट में कवर किया जा रहा है। तो टाइम का रेशियो अगर हम लिखते हैं कि 1:33 है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, 33:1, जिसमें से 33 की वैल्यू जो दी गई है, साउंड की स्पीड जो दी गई है, वो स्पीड 33 रेशियो की वैल्यू दी गई है, 330 किलोमीटर पर आवर्स। अगर साउंड की स्पीड 330 किलोमीटर पर आवर्स दी गई है 33 रेशियो की वैल्यू, तो 1 रेशियो आ जाएगा 33 से डिवाइड करेंगे 10 किलोमीटर पर आवर्स, और 1:10 किलोमीटर, सॉरी ये आपका 33 किलोमीटर पर आवर्स नहीं, मीटर पर सेकेंड है। तो अगर ये 330 मीटर पर सेकेंड है, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 रेशियो मैन का स्पीड जो कि होगा 10 मीटर पर सेकेंड। और अगर ये मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करें, तो हम लोग पढ़ चुके हैं 18/5 आपका आंसर हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर्स। उस आदमी की गति, या मतलब जिस कार में बैठा उस कार की गति कितना होगी, उस कार की गति होगी 36 किलोमीटर पर आवर्स। मैन की स्पीड मतलब जो आदमी बैठा वो कार में, यानी मैन की स्पीड वही है जो कार की स्पीड है, तो मैन की स्पीड मतलब कार की स्पीड, तो कार की स्पीड कितना आ जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये पूरी लंबी कहानी करने की जगह मैं फिर से डायरेक्टली बात कर रहा हूं, सेम क्वेश्चन को करने का तरीका, बस टर्मिनल जैसे कर रहे थे उसी तरीके से। तो आप ये देख लीजिए, बस टर्मिनल वाले क्वेश्चन जो कर रहे थे उसी तरीके से, मैन या कार की गति। तो मैंने कहा था जो डायरेक्टली करने का तरीका, वो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। मैंने जैसे उसमें बोला था वैसे इसमें बोल रहा हूं, गन फायर कितने समय के इंटरवल पर की जा रही है, तो बताया गया 34 मिनट के इंटरवल पर गन फायर की जा रही है। तो हमें उस 34 मिनट का डायरेक्टली यूज नहीं करना, आपको देखना है कितने समय के इंटरवल पर एक्चुअल में वो मिल रही है, वो जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है 34 मिनट के अंतराल पर, वो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है 34 मिनट के इंटरवल पर, क्योंकि गन फायर की जा रही है 34 मिनट के इंटरवल पर। तो 34 मिनट के इंटरवल पर अगर गन फायर की जाती है, तो साउंड प्रोड्यूस होगा 34 मिनट के इंटरवल पर, वो डायरेक्टली यूज नहीं करना होगा, आपको देखना होगा कितने समय बाद आवाज सुनाई दे रही है। तो आवाज सुनाई दी कितने समय बाद, 33। एक्चुअल में कितने समय बाद वो मिल रही है उस आदमी के कानों से, या आदमी से, या कार से, तो वो दिया गया 33 डायरेक्टली साउंड के नीचे, पहला ऑब्जेक्ट साउंड, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, पहला ऑब्जेक्ट 33 डायरेक्टली लिखा, ये डायरेक्टली स्पीड का रेशियो आता है, मैं बता चुका हूं, रीजन आपके सामने नीचे दिखा चुका हूं। और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है जिसको वो सुनाई देगा, तो जिसको वो सुनाई देगा, जिसके पास पहुंचेगा वो दूसरा ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के नीचे हमेशा दोनों टाइम का डिफरेंस, इन दोनों टाइम का डिफरेंस 1, यानी ये डायरेक्टली स्पीड का रेशियो आ गया 33:1। अगर मैं यहां पर कहता हूं कि 33 की वैल्यू दी गई है 330 मीटर पर सेकेंड, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो मैं लिख सकता हूं 10 मीटर पर सेकेंड, और 1 रेशियो की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पर 1 है तो मैं लिख सकता हूं 10 मीटर पर सेकेंड, और इसको किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करूं तो 10 × 18/5 = 36 किलोमीटर पर आवर्स, ये आपका आ जाएगा स्पीड ऑफ द कार, क्योंकि मैन की स्पीड वही है जो कार की स्पीड है, और इसका रीजन क्या है कि कार में आदमी बैठा हुआ है। अब अगर आगे करें क्वेश्चन, तो मैं पूरा करने की जगह डायरेक्टली यूज करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना, अगर कैलकुलेशन हो भी तो वो भी थोड़ा सा आप देख लेना, वो मैं कैलकुलेट करके बता दे रहा हूं किस तरीके से। तो अगर आप देखो दूसरे क्वेश्चन पर, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मैं पढ़ूंगा, टाइम भले मैं वेस्ट करूं, लेकिन आप करना क्या कि मेरे पढ़ते पढ़ते अगर आपका आंसर आ जाता है तो वो और अच्छी बात है, आप अपनी तरफ से एक बार ट्राई करना कि डायरेक्टली उस क्वेश्चन का आंसर आए। तो मैं इस बार पूरा फिगर ना बना करके डायरेक्टली क्वेश्चन की बात करूंगा, और डायरेक्टली क्वेश्चन की बात करें तो ये आपके क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, टू गन्स आर फायर्ड एट अ प्लेस एट एन इंटरवल ऑफ 30 मिनट, ए पर्सन अप्रोचिंग द प्लेस ऑब्जर्व दैट 29 मिनट 20 सेकेंड हैव इलेप्स्ड बिटवीन द हियरिंग ऑफ द साउंड ऑफ द टू गन्स।
टू गन्स, मतलब साउंड की बात करें जो गन फायर की गई है, द स्पीड ऑफ द साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मैन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मैन, क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मैन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मैन अप्रोचिंग दैट प्लेस, ये हट नहीं रहा, ठीक है। इस क्वेश्चन में बात की जा रही है कि दो गन फायर की जाती हैं, दो गन फायर की जाती है तो दो साउंड प्रोड्यूस होंगे, जब गन फायर की जाएगी तो साउंड प्रोड्यूस होगा। तो बोला जा रहा है कि दो गन फायर की जा रही हैं, दो बंदूकें दागी जा रही हैं 30 मिनट के इंटरवल पर, और जो आदमी उसी तरफ आ रहा था, उसी तरफ लिखा नहीं लेकिन वो कम समय में ही सुन लेता, मतलब उसी तरफ आ रहा था जो, हाँ लिखा तो ए पर्सन अप्रोचिंग द प्लेस, वो आदमी जो उस तरफ ही आ रहा है जिधर गन फायर की गई है, वो 30 मिनट के इंटरवल पर सुनने की जगह वो पहला आवाज सुनता है उसके 29 मिनट 20 सेकंड के बाद ही दूसरी आवाज सुन लेता है। और फिर बोला गया कि अगर स्पीड जो साउंड की अगर वो 330 मीटर पर सेकेंड है तो बताना है कि उस आदमी की गति क्या होगी जो उस तरफ आ रहा है जिधर गन फायर की जा रही है। ये आपका क्वेश्चन है, तो मैं इस क्वेश्चन में पूरा नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली बात करूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कितने समय के इंटरवल पर 30 मिनट, और ये दिया गया कितने समय के इंटरवल पर सुनाई दे रहा है 29 मिनट 20 सेकेंड। अच्छा 29 मिनट 20 सेकेंड की बात करते हैं आप, 29 मिनट 20 सेकेंड, 30 मिनट में कितना सेकेंड होगा, तो मैं लिख सकता हूं 30 मिनट में कम सेकेंड होगा, इंटू 60 करेंगे 30 मिनट इंटू 60 तो कितना आएगा 1800 सेकेंड। अगर 1800 सेकेंड आएगा तो आप बताइए ये 30 मिनट से कितना कम है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं ये 30 मिनट से कितना कम है, तो 29 मिनट हो चुका है, 20 सेकेंड हो चुका है, कितना कम है, तो केवल 40 सेकेंड कम है, 40 सेकेंड कम है, इसका मतलब 29 मिनट 20 सेकेंड को क्या लिखा जा सकता है, तो 1800 में से 40 माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 1760 सेकेंड। तो कुछ चीजें होती हैं वो डायरेक्टली करने की जगह इनडायरेक्टली थोड़ा रिवर्स गियर लगा के भी आप निकाल सकते हैं, ये बेसिक पॉइंट है, आप समझ चुके हैं। जैसे इसमें आप देखिए कितने समय के इंटरवल पर गन फायर की गई, तो आपको बताया गया 1800 सेकेंड के इंटरवल पर गन फायर की गई, 1800 सेकेंड के इंटरवल पर गन फायर की गई है, इसका मतलब 1800 सेकेंड के अंतराल पर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो डायरेक्टली यूज नहीं करना है, आपको देखना है कि एक्चुअल में वो आवाज पहली आवाज सुनने के कितने समय बाद दूसरी आवाज सुना, तो पहली आवाज सुनने के कितने समय बाद दूसरी आवाज सुना है, मतलब 29 मिनट 20 सेकेंड के बाद सुना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चल रहा है, तो वो हमने कन्वर्ट किया कितने समय के बाद सुना है, तो मैं लिख सकता हूं 1760 सेकेंड के बाद सुना है। अगर 1760 सेकेंड के बाद सुना है एक्चुअल में, तो मैं डायरेक्टली साउंड के नीचे लिखूंगा, पहले ऑब्जेक्ट के नीचे लिखूंगा 1760, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है जिसे वो आवाज सुनाई दे रही है, जिसके पास पहुंच रही है, वो मैन या कार की बात कर रहे हैं, तो उसके नीचे हमेशा आएगा इन दोनों का डिफरेंस, और डिफरेंस कितना रहा है 40। तो अगर आप देखो तो ये डायरेक्टली स्पीड का रेशियो आ चुका है, वो मैं नहीं लिख रहा हूं कि इसको लिखो फिर उसको रिवर्स करो, जब लिखना है तो डायरेक्टली लिख लेते हैं। अगर इसको डिवाइड करें चार से, तो डिवाइड करें तो चार चार और ये आ गया एक, यानी 44:1 स्पीड का रेशियो डायरेक्टली, इसको रिवर्स इनवर्स करने की जरूरत नहीं है, रीजन आप देख चुके हैं पहले ही। अब आप देख लो कि जिस 44 आपको दिया गया है वो आपका 44 स्पीड दिया गया है 330 साउंड की स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड, अगर 44 330 मीटर पर सेकेंड है तो 1 रेशियो होगा 330 डिवाइडेड बाई 44, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो किससे डिवाइड कर सकता हूं, तो 8 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं चलो अगर डिवाइड करते 11 से, तो 11 से 30 और 11 से 4 यानी 15/2 मीटर पर सेकेंड, तो एक रेशियो मतलब 15/2 मीटर पर सेकेंड, अगर मैं इसको किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करूं, मीटर पर सेकेंड है, अगर मैं इसको किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करूं तो मैं लिख सकता हूं 15/2 इंटू 18/5, तो मैं लिख सकता हूं 5 से 3 एंड 2 से 9, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 27 किलोमीटर पर आवर्स, ये आप कह सकते हैं उस कार का स्पीड, मैन का स्पीड मतलब उस कार का स्पीड 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया, ये सेम डिस्टेंस के क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, सेम डिस्टेंस के पार्ट पर स्पीड और टाइम का रेशियो यूज करके आप डायरेक्टली आंसर निकालते चले जाते हैं, वो डिस्कस किया। अब अगली क्लास से जो हम लोग करेंगे
वो हम लोग करेंगे कि सेम टाइम के केस में डिस्टेंस और स्पीड में क्या रिलेशन होता है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसको डायरेक्टली कैसे करते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसे ही, और एक क्वेश्चन आपको मैं दूंगा। जैसे अगर आपसे बोला जाए, एकदम बेसिक क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूं, ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो सब लोग कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग रेशियो देख करके डर जाते हैं, रेशियो जैसे ही दिखता है उनकी हालत हो जाती है खराब। तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा एक बार, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा सा देख लो, आप पढ़ भी सर रहे होंगे और मैं इसको डिस्कस भी कर लेता हूं। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा, आप उसको अपनी तरफ से ट्राई करना, वो सेम टाइम के अकॉर्डिंग या जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं उसको एक बार ट्राई करना। सेम डिस्टेंस का केस है, वो यहां पर ये जो तरीका है ये भी यूज हो जाएगा, और उसके एक और तरीका है वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपके लिए क्वेश्चन होगा, आप इसको सॉल्व करना। ये क्वेश्चन है, इसके बाद वाला क्वेश्चन आपके लिए होगा, वो आप इसको सॉल्व करना, आपका जो आंसर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, वो डिस्कस करेंगे उसको भी आगे आने वाले वीडियो में या फिर लास्ट वीडियो में, जो भी टाइम स्पीड डिस्टेंस का होगा क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, इसके बाद वो क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, थोड़ी देर आप देखना उसको, और उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट करके जिस तरीके का भी यूज करते हैं, अगर आप तरीका लिख करके दिखाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में तरीका भी दिखा सकते हैं, या डायरेक्टली आंसर दिखाना चाहते तो डायरेक्टली आंसर दिखा सकते हैं आप। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। पहला पॉइंट इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड। अच्छा, अगर स्पीड का रेशियो निकालना है तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहां से आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला तो एक ही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, उसी को इधर उधर घुमाते रहिए, वहीं आपका आंसर देता रहेगा। तो इसमें आपसे बोला गया है कि जो ट्रेवल किया गया, तीन आदमी है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीन आदमियों के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उस डिस्टेंस का रेशियो है, जो तीन आदमियों द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उस डिस्टेंस का रेशियो दिया गया आपको 2:5:4, और आपको जो टाइम उसके बाद बोला गया, इफ द रेशियो ऑफ द टाइम ऑफ ट्रेवल इज 2:3:1, रिस्पेक्टिवली लिखना चाहिए, रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा है, वो अंडरस्टूड है या नहीं आप समझ लेना, बट मैं बता रहा हूं ये रिस्पेक्टिवली की बात की गई है, कि जो टाइम लिया जाता है वो किस रेशियो में लिया जाता है, 2:3:1। अच्छा, अगर आपको बोला जाए कि स्पीड का क्या रेशियो होगा, अगर स्पीड का रेशियो होगा तो आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो डिस्टेंस आप देखो 2 और टाइम 2 डिवाइड किया तो 1:2, डिस्टेंस 5 टाइम 3, डिस्टेंस अपॉन टाइम 5:3:2, डिस्टेंस 4 टाइम 1 यानी 4:1 कितना आ गया 4। और रेशियो में अगर फ्रैक्शन दिखे तो एलसीएम लो, नहीं तो ऐसी संख्या को मल्टीप्लाई कर दो सभी टर्म्स से जिससे इंटीजर आपका दिखे, डिनोमिनेटर आपका कट के 1 हो जाए। तो आप बताइए इसमें 3 दिख रहा है, एलसीएम लो अलग से या डायरेक्टली कहो कि कौन सी संख्या मल्टीप्लाई हो जाए इसमें ताकि सब कुछ इंटीजर में दिखे, तो हम कह सकते हैं कि 3 का मल्टीप्लाई हो जाए, एलसीएम का तरीका आप करते रहना, 3 का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3। बस ध्यान रखना कि रेशियो के पार्ट पर किसी एक वैल्यू को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारी वैल्यू सारी टर्म्स को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 मल्टीप्लाई किया 3, 3 मल्टीप्लाई किया 5 और 3 मल्टीप्लाई किया 12, ये आपका रेशियो हो जाएगा 3:5:12, किसका रेशियो होगा तो ये स्पीड का रेशियो आ गया। अच्छा, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा कि ऐसे कैसे डिवाइड कर दिया, अगर आपको लग रहा है तो मैं कहता हूं चलो रेशियो का साइन हटाते हैं, तो बचपन से सीखते आए हम लोग कि अगर रेशियो का साइन हटाते हैं तो उसके लिए कुछ वेरिएबल्स यूज करते हैं। चलो मैंने कहा कि अगर ये हटाया तो ये एक्स यूज किया, अगर इसके साथ एक्स यूज किया तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये आपका रेशियो बन गया। अब ये अलग रेशियो है टाइम का, तो मैं इसको से रेशियो हटाऊंगा तो यहां पर भी वेरिएबल्स यूज करूंगा मैं, लेकिन एक्स यूज करो ये गलत होगा, यहां पर कुछ और अलग लेकर के चलते हैं। जैसे मैंने कहा यहां पर रेशियो का साइन हटाया, मैंने कहा ये वाई होगा, ये वाई होगा, ये वाई होगा। अच्छा, अगर आप डिवाइड करोगे तो यहां पर आएगा एक्स बाई वाई, यहां पर आएगा एक्स बाई वाई, यहां पर भी साथ में आएगा एक्स बाई वाई, और रेशियो के पार्ट पे ये कैंसिल हो जाता है, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपका डायरेक्टली सीधा कह सकते हैं कि स्पीड का रेशियो 3:5:12 आएगा। तो चलिए आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आपकी जो स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं ये आपके लिए वही जो मैंने बोला कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, डायरेक्टली आंसर करिए कमेंट, या फिर आप इसको सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन भी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसे भी आपको सुटेबल लगता है। डिस्कस करेंगे इसका तरीका क्या है, आपका तरीका क्या है, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, आप देख रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोगों के पास ये सारी वीडियो पहुंचती रहे, उनको अगर लगता है कि फायदा मिल रहा है तो वो और अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि सबको ये जो तरीका है वो समझ में आ जाए। अगर जल्दी समझ में आता है तो और अच्छी बात है, कहीं भी पढ़ रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सीखने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि नहीं अच्छा मिल रहा है तो क्या दिक्कत है शेयर करने में, तो मैक्सिमम शेयर करिए, चाहे वो हमारे साथ के लोग हों, चाहे वो हमारे स्टूडेंट हो, चाहे हमारे स्टूडेंट नहीं हो, जो लोग भी देख रहे हैं, उम्मीद करूंगा कि आप मैक्सिमम शेयर करेंगे और मैं इसी तरह से कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा, कंटिन्यू करता रहूंगा, ट्राई करूंगा कि और जल्दी जल्दी होता रहे। मैं कोई प्रॉमिज नहीं कर सकता क्योंकि बीच पीछे मैंने प्रॉमिज किया था और बड़े लंबे टाइम के बाद फिर से आया हूं, तो बस ये है कि मैं ट्राई करूंगा कि आपका कंटिन्यू बना रहे और कंटिन्यूटी बन जाए, कुछ दिनों बाद ऐसा हो जाए कि लगातार वीडियो बने और ये हो जाए कि नहीं हम लोग ऐसा कर सकें कि मतलब डायरेक्टली लाइव क्लास भी स्टार्ट कर सके। बट चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।